zoomtv.in। ईस्मार खान के म्यूजिक को लॉन्च करने से पहले ही खबर गर्म थी कि नेट पर इलीगली फिल्म का म्यूजिक लॉन्च हो गया है, लेकिन अब खबर ये आ रही है कि ये सब फराह खान का फिल्म को प्रमोट करने के लिए पब्लिसिटी स्टंट था, क्योंकि कहीं से भी इस खबर पर कॉन्फर्मेशन नहीं हो पाया कि फिल्म का म्यूजिक रिलीज होने से पहले ही ऑडियंस तक पहुंच गया है। लगता है फराह खान अच्छी तरह जानती है कि फिल्म के साथ कॉन्ट्रोवर्सी जोड़कर उन्हें कैसे प्रमोट किया जा सकता है, क्योंकि कुछ दिन पहले भी उन्होंने सलमान को फिल्म में रखने और शाहरुख को फिल्म में ना रखने पर दिया था कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट। मैं सिर्फ अपना दिल रखना चाहती हूँ, मैं कभी भी कोई भी काम लोगों का दिल रखने के लिए नहीं करती हूँ। आई थिंक इट विल बी रॉन्ग ऑन माय पार्ट टू डू दैट। सो आई didn't feel the need, the movie didn't require.